आज गूगल को कौन नहीं जानता है। दुनिया के हर कोने में दुनिया का हर इंसान किसी न किसी तरह से गूगल का इस्तेमाल ज़रूर करता है। आपको भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप गूगल में सर्च करते हैं और चंद सेकेंडों में ही आपके सवाल का जवाब आपके सामने होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल ने खुद को इतना ग्रो कैसे किया और गूगल को इतना आगे ले जाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है और वो कौन सा शख्स है जिसने गूगल को सुपर से भी ऊपर बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अफजाल दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश मोटिवेशनल। जिस शख्स ने गूगल को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया वो हमारे ही देश हिंदुस्तान का एक नागरिक है। वो हिंदुस्तानी शहरी है जिसे दुनिया सुंदर पिचाई के नाम से जानती है। चेन्नई में 1972 में जन्मे पिचाई का असल नाम सुंदराजन है, लेकिन उन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 2004 में जब सुंदर पिचाई ने पहली बार गूगल में कदम रखा तो उस वक्त गूगल की वो हालत थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। गूगल की ब्रांडिंग उस वक्त इतनी नीचे गिर गई थी कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र से गूगल को हटाकर बिंग को माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना दिया और इस तरह गूगल ने एक ही दिन में अपने 300 बिलियन कस्टमर को खो दिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर उस वक्त सुंदर पिचाई गूगल में ना आए होते तो आज हम गूगल को जानते तक नहीं। सन 2006 ये वो साल था जब सुंदर पिचाई प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पोस्ट पर गूगल में जॉब ज्वाइन किया। इसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस जीमेल भी लॉन्च किया था। अब यहाँ से गूगल की तरक्की शुरू हो गई थी। गूगल ज्वाइन करने के बाद उनका शुरुआती काम गूगल के सर्च टूल बार पर काम करने का था। ये टूल बार उस वक्त गूगल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सुंदर पिचाई ने गूगल के CEO से कहा, यह सर्च टूल बार तो ठीक है मगर हमें खुद का अपना ब्राउज़र भी बनाना चाहिए। अगर आज हम खुद का ब्राउज़र नहीं बनाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा और गूगल हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। मगर गूगल के CEO ने सुंदर पिचाई की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि आप सिर्फ गूगल के टूल बार पर ही ध्यान लगाओ। उसके बाद उन्होंने इस टॉपिक को दोबारा कहीं नहीं छेड़ा। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने बहुत ही पहले कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बना दिया और इस तरह गूगल ने सुंदर पिचाई की बात न मानकर एक ही दिन में अपने 300 मिलियन कस्टमर को खो दिया। लेकिन तब तक पिचाई और उसकी टीम गूगल टूल बार बना ही चुकी थी। बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा किया गया और फिर गूगल सर्च टूल बार को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। इससे गूगल को ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने फिर से गूगल को अपना डिफ़ॉल्ट सिस्टम बनाना शुरू कर दिया और खोए हुए 80% कस्टमर गूगल के पास वापस आ गए। अब गूगल के CEO को सुंदर पिचाई की कीमत समझ आने लगी। इस हादसे ने गूगल के CEO को सुंदर पिचाई की बात मानने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ से गूगल क्रोम की शुरुआत होती है। सुंदर पिचाई और उसकी टीम ने दिन रात करके इस काम को करना शुरू किया और इस काम में इस तरह लग गए कि खाने पीने का भी कोई पता नहीं था। दिन कब गुजरा, रात कब हुई, उन्हें कोई खबर नहीं। वो दिन रात एक करके गूगल क्रोम को बनाने में लग गए। कई बार फेल भी हुए मगर हिम्मत नहीं हारी। एक दिन आता है जब गूगल क्रोम बन के तैयार था। अब गूगल और उसकी टीम ने गूगल क्रोम को लॉन्च कर दिया। लॉन्च होने के बाद ये ब्राउज़र इतना सक्सेस हुआ कि कुछ ही वक्त में ये वर्ल्ड का मोस्ट वेब ब्राउज़र बन गया। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद पूरी दुनिया में गूगल छा गया। हर मोबाइल, हर कंप्यूटर और हर घर में उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। अब गूगल ने देखा कि आदमी तो बड़े काम का है तो 2008 में उसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद ये गूगल के हर प्रोडक्ट के लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड ऐप के पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद उन्हें एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ही एंड्रॉयड 1 की शुरुआत की और उसे 5 मिलियन लोगों तक पहुंचाया। सुंदर के इस काम को देखते हुए
बहुत ही जल्द 2014 में सुंदर पिचाई को दोबारा प्रमोट करके उसे हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट दे दी गई। अब सुंदर पिचाई इतने फेमस और मशहूर हो चुके थे कि हर बड़ी बड़ी कंपनी उन्हें ऑफर देने लगी। यहाँ तक कि ट्विटर ने भी अपने यहाँ उन्हें हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट पर ट्विटर को ज्वाइन करने को कहा। कुछ दिनों बाद उन्हें ट्विटर के CEO की पोस्ट के लिए भी ऑफर किया गया। ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनाने के लिए भी पेशकश की गई, लेकिन जिसने गूगल की लाइफ चेंज कर दी और जिस गूगल की वजह से वो पूरी दुनिया में छा गए, उन्होंने इस गूगल को नहीं छोड़ा। और फिर वो वक्त आता है जब 2015 में उन्हें गूगल का CEO बना दिया जाता है और उसके बाद उन्हें 2019 में अल्फाबेट का भी CEO बना दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुंदर पिचाई ने ही गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल वीडियो कोडेक बनाए हैं। सुंदर पिचाई के हाथों बनाया गया गूगल क्रोम और एंड्रॉयड OS के जरिया गूगल को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा। ये होता है किसी भी चीज़ को कर लेने का जुनून, अपने मंजिल को पा लेने का ख्वाब। आज जो सुंदर पिचाई महीने का करोड़ों रुपया कमाता है, कल वही सुंदर पिचाई 2 कमरों वाले किराए के मकान में रहता था। उनके पास स्कूटर और बाइक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि जब उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अमेरिका जाना था तो उनके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनके फादर ने 1 साल तक पैसे जमा किए और उनके लिए टिकट खरीदी। आज वही सुंदर पिचाई कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंच चुका है कि एक दिन में एक टिकट क्या पूरी हवाई जहाज खरीद सकता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मंजिल से आगे बढ़ के तुम मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हम और आप भी ये कर सकते हैं, बस अपने अंदर वो जज्बा और जुनून होना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, बस उस खूबी को लोगों के सामने लाना है, दुनिया के सामने लाना है। हर इंसान को खुदा ने हीरे से भी बेहतरीन बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। अगर आप वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने आप को कामयाबी की मंजिल पर देखना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह हमेशा मोटिवेट रख सकें।